नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किस तरीके से अपने वर्कबुक को किस तरीके से डार्क मोड में ला सकते हैं, या आपका जितने यहाँ पे टूल बार दिए हैं या आपके फॉर्मेटिंग या स्टैंडर्ड जो भी बार दिए हैं, इन सबको कैसे आप डार्क मोड में ला सकते हैं, क्या आपको सेटिंग करना है, कहाँ से आपको ये जो यहाँ पे ऑप्शन है कैसे इनेबल करना है, सारे प्रोसेस आपको बताने वाले इस वीडियो में कम्प्लीट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वर्कशीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वर्कशीट आपका डार्क में दिख रहा है। इसका और भी कलर आप इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको डार्क मोड में कैसे लाएंगे कंप्लीट बताएंगे। और साथ में अगर यहाँ पे देखिए प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए नई शीट जो है ये भी हमारा डार्क मोड में आ रही है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको डार्क मोड में अपने वर्कशीट को यानी कैल्सी का जो शीट है इसको करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, या जितने भी मेनू दिए हैं टूल बार दिए हैं सारे कैसे कर सकते हैं, तो कंप्लीट बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बाय डिफॉल्ट कर देते हैं जैसे आप फर्स्ट टाइम देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको कैसे सही करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये आप जो सेटिंग है कैसे आप कर सकते हैं, कैसे डार्क मोड में ला सकते हैं। तो सबसे पहले डार्क मोड में लाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है टूल्स मेनू में, और टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दिखा है ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, या तो आप शॉर्टकट भी दिया है अल्ट प्लस या F12, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। चलिए आपको ये डायलॉग बॉक्स जैसे ओपन होगा तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि जाना है यहाँ पे देखिए पर्सनलॉजी लिखा है, इसमें आपको क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ से डार्क मोड पे सिलेक्ट करते हैं और ओके करेंगे तो लेकिन इसमें देखिए आपका जो टूल बार है ये ओनली आएगा डार्क मोड में। देखिए ओके करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे जितने टूल बार थे स्टैंडर्ड बार थे ये सारे यहाँ पे देखिए डार्क मोड में आ गए, लेकिन हमें वर्कशीट को लाना है जो यहाँ पे जिस पे हम काम करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए आपको जाना है फिर से टूल्स में, ऑप्शंस में जाना है, और आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन मिला है एप्लीकेशन कलर, इस पर आपको कर देना है क्लिक। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे सारे आपके कलर ओपन हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको आना है डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक कर आप जो भी कलर में लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जैसे हमें डार्क में करना है तो यहाँ पे देखिए हम डार्क ग्रे टू लेते हैं, और ओके जैसे यहाँ पे करेंगे तो देखिए हमारा जो एक्सेल की शीट है बिल्कुल डार्क मोड में यहाँ पे हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटाने का भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको टूल्स में जाना है तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और जैसे यहाँ पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे फिर से आपको सबसे पहले पर्सनलॉजिक में आना है। अगर आप अपने थीम का जो यहाँ पे टूल बार दिया इसका हटाना चाहते हैं तो यहाँ से वाइट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपका जो टूल बार है जितने यहाँ पे हट गया है, और मेनू बार अगर इसका आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर से आप टूल्स में जाइए, ऑप्शन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे एप्लीकेशन कलर पे जाइए, और एप्लीकेशन कलर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक कर ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी शीट होगी ऑटोमेटिक जो भी कलर रहेंगे इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट होने के बाद बस आपको ओके कर देना है तो आपका बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने डार्क मोड में अपने